जाके किले का रहस्य शाह के कारण गिरती है बिजली। झारखंड की राजधानी से 18 किलोमीटर की दूरी पर रांची पतरातू मार्ग के पिठौरिया गांव में 2 शताब्दी पुराना राजा जगतपाल सिंह का किला है। किसी जमाने में 100 कमरों वाला विशाल महल अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। इसके खंडहर में तब्दील का कारण इस किले पर हर साल बिजली गिरना है। आश्चर्यजनक रूप से इस किले पर दशकों से हर साल बिजली गिरती आ रही है, जिससे कि हर साल इसका कुछ हिस्सा भुता शक्ल लिए यह किला पिठौरिया के राजा जगतपाल का भी शब्द किला है। यहाँ की वीरानियां आज भी यहाँ आने वालों को डराती है। बहुत टाइम से सुनते आ रहा हूँ ये पिठौरिया का किला। आज ढूंढना है और देख के आएंगे। चल रहा है, मिल नहीं रहा है किला, क्या करूं? थे इसमें वो चीज दिखा नहीं, एक्सपेक्टेशन था वो आने के बाद रहा नहीं। ये पता नहीं जो बचा हुआ है यही बचा हुआ है। बोला जाता है यहाँ 100 रूम का ये किला हुआ करता था, अब यहाँ आने पर तो बस। इस किले को श्रापित किला के नाम से जाना जाता है। रास्ता भी है, अगर अंदर की बात करें तो बापरे डरावना है, बापरे बहुत अंधेरा है। ऐसे सीढ़ी बना हुआ है, पर माल का कंडीशन ही इतना खराब है कि कोई चढ़ने का साहस ही नहीं कर सकता है। इसका आकार देख के लग रहा है क्या है, मतलब गोल सर्कल या फिर त्रिकोण? यार हम लोग को चलना चाहिए। सब चीज बापरे टूट टूट के गिर रहा है, पता नहीं है तो बड़ा डरावना। ये काफी डरावना जगह है, अगर इसका कंडीशन का बात किया जाए तो ये कभी भी गिर सकता है। यार यहाँ आने पर तो इतना जो कुछ दिख भी गया
मेरे को लगता है और 2-4 साल बाद आएंगे तो इतना भी दिखेगा नहीं, बॉन्चेज सपाट हो जाएगा। हो चुका है, यहाँ लोगों की मान्यता है कि जगतपाल सिंह को ठाकुर सहदेव ने श्राप दिया था, जिसके कारण यह किला ढह गया है। कहने का मतलब जगतपाल सिंह ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को पकड़ाने में अंग्रेजों की मदद की थी और उसके गवाही से ही अन्य क्रांतिकारी को भी फांसी की सजा दी गए थे। और ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को आपको पता ही होगा, जिला स्कूल के सामने वो कदम के पेड़ में फांसी 1857 में फांसी लगाया गया था। तो यहाँ उस समय से मतलब यहाँ के लोगों की मान्यता है कि ठाकुर सहदेव सिंह के द्वारा दिया गया श्राप भी यार जो देखना चाह रहे थे देख लिए, ऐसा तो कुछ स्पेशल इफेक्ट दिखा नहीं हम लोग को, जो है सो है, यहाँ इतना ही बचा हुआ है। यदि आप और 2-4 साल बाद आते हैं तो गारंटी के साथ देता हूँ, देखा हूँ आज जो देखे उससे और कुछ परसेंट कम देखने को मिलेगा, बहुत सारा चीज तो और ढह जाएगा। हाँ, अगर देखना है तो जल्दी आ जाइए और देख लीजिए अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो। बगल में राजा जयपाल सिन्हा, हाँ जो भी, इसके द्वारा बनाया गया तालाब है और एक मंदिर है। तो अभी हम लोग मंदिर और तालाब देखने जा रहे हैं। अब मे भी अगर ढूंढ पाए तो यार माल ढूंढने में तो इतना प्रॉब्लम होगा, देख लेते हैं मंदिर मिलता है या नहीं मिलता है।
चढ़ने में तो एक डर लगता है क्योंकि इसकी स्थिति इतना खराब है, अगर थोड़ा सा भी जोर लगाते हैं तो पता चल रहा है नीचे धस के जाएगा। तो इससे बेटर है कि हम लोग अब यहाँ से निकलना चाहिए। हो तो चलिए। ये है तालाब जयसिंह द्वारा बनाया हुआ। मंदिर की बात करें तो वो जो वहाँ पेड़, मतलब इतना घना जो पेड़ दिख रहा है वही मंदिर है। चलिए मंदिर देखा जाए। उद्घाटन से पहले ही वो मर गया और लाजली जो बचा हुआ है यही बचा हुआ है। इधर से तो इसका पिछवाड़ा नजर आ रहा है, आगे से तो आगे देख के लग रहे हैं पूरा टूटा हुआ है। वो फ्रंट में इधर मेन बात इसका हमको लग रहा है दरवाजा है, देखा इधर घुसने वाला हूँ। अब मैं घुस के देखता हूँ भाई कैसा है। तो चलिए अंदर, वो चलिए अंदर अंदर अंदर। लास्टली हम लोग मंदिर के अंदर भी आ गए पर क्या है, कुछ नहीं बचा हुआ है। हाँ, अब इसका मेन दरवाजा किधर से था वो भी पता नहीं। वो जो ऊपर लटका हुआ नजर आ रहा है वो भी पेड़ से ही लटका हुआ है। जो पूरा हो गया नागवंशी राजा का। हम लोगों ने महल देखा, तालाब देखा और मंदिर देखा। हम लोग तो घूमने के लिए यहाँ से आए थे। अगर आपको जानना है तो आप झारखंड का हिस्ट्री पढ़िए, उसके बाद आइए, ज्यादा बेटर लगेगा। मे भी आपको अच्छा लगे देख के।